ओके गाइस, इस टाइप का रील्स वीडियो मैंने बहुत ही नंगे आप लोगों को सिखाया था, लेकिन गाइस अभी तक आप लोगों के बहुत बंदे ने इस टाइप का रील्स वीडियो अभी तक नहीं बना पा रहे हैं। और गाइस यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पर कुछ लोगों को ब्लर का प्रॉब्लम और कुछ लोगों को ब्लैक स्क्रीन आ जाते हैं, कुछ लोगों को व्हाइट स्क्रीन आ जाते हैं। इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने आज लेके आ चुका हूँ और गाइस इसका फुल एडिटिंग आप लोगों को मैंने सिखाने वाला हूँ, इसीलिए गाइस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहना। चलिए गाइस बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू कर लेती हूँ। सबसे पहले गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों के पास VN एप्लीकेशन नहीं है तो आप लोगों ने VN एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और गाइस आप लोगों के पास पहले से VN एप्लीकेशन है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, सिंपली VN एप्लीकेशन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना। टैप करके रखने के बाद गाइस यहां पर आप लोगों को ऐप इन्फो वाला ऑप्शन मिलेगा। कुछ लोगों को गाइस इस टाइप का ऑप्शन आ जाते हैं और कुछ लोगों को नहीं आते हैं, और जिन लोगों को गाइस नहीं आते मैंने उन लोगों के लिए बता देती हूँ। आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों ने सिंपली आप लोगों के मोबाइल की जो सेटिंग होगा सिंपली सेटिंग पर चले जाना। चले जाने के बाद गाइस जैसे आप लोग ऐप मैनेजमेंट ढूंढ लेना, यहाँ पर गाइस आप लोगों को मिल जाएगा ऐप मैनेजमेंट। सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना। टैप कर देने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों ऐप सेटिंग के ऊपर टैप कर देना। टैप कर देने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना होगा VN। सिंपली VN एप्लीकेशन को ऐसे ओपन कर लेना होगा। ओपन कर देने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को स्टोरेज वाला ऑप्शन मिलेगा थर्ड नंबर पे, सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना होगा। यहाँ पर गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर जो क्लियर स्टोरेज है सिंपली क्लियर स्टोरेज के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर टैप कर देना। टैप कर देने के बाद गाइस आप लोगों को सिंपली वहाँ से बैक से लेना होगा। बैक से लेने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, फिर से आप लोगों को VN एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेना होगा। ओपन कर लेने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को सिंपली प्लस वाले आइकन में टैप करना होगा। टैप कर देने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर टैप करके यहाँ पर गाइस आप लोगों ने जो वीडियो को एडिट करना चाहते हो सिंपली वही वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद गाइस यहाँ पर नीचे एरो वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपली एरो के ऊपर टैप कर देना। टैप कर देने के बाद गाइस अब गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो के लास्ट में जाके यहाँ पर गाइस एक ब्लैक कलर का VN की वाटरमार्क मिलेगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके उसको डिलीट कर लेना होगा। डिलीट कर लेने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली गाइस ये वाली वीडियो को थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हो तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। उसको एडजस्ट करने के लिए आप लोगों को सिंपली फिल्टर वाले ऑप्शन पे चले जाना होगा। चले जाने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को एडजस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपली एडजस्ट के ऊपर टैप कर देना। एडजस्ट के ऊपर टैप कर देने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। इन सभी को गाइस आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा ऐसे प्लस कर देना, ऐसे गाइस थोड़ा थोड़ा प्लस करके आप लोग देख लेना, आप लोगों के हिसाब से आप लोगों ने इसको एडजस्ट कर लेना। कर लेने के बाद गाइस आप लोगों को सिंपली यहाँ पर टिक मार्क के ऊपर टैप कर देना होगा। टैप कर देने के बाद गाइस यहाँ पर हमारा एडजस्ट का काम हो गया है। अब गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर गाइस आप लोगों को तीन नंबर पे यहाँ पर जो PIP का एक गैलरी वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर टैप करके यहाँ पर गाइस आप लोगों को वीडियो एंड फोटो के ऊपर टैप कर लेना। टैप कर लेने के बाद गाइस यहाँ पर मैंने एक स्नो इफेक्ट वीडियो को ऐड कर लेती हूँ, इसका लिंक मैंने आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। और गाइस मैंने वीडियो में जितने भी मटेरियल्स यूज करूंगा सबका लिंक आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। मैंने गाइस यहाँ पर स्नो इफेक्ट वीडियो को ऐड कर लिया है। आप गाइस यहाँ पर नीचे ऐसे स्लाइड करके देख लेना होगा, यहाँ पर एक फिल वाला ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों को सिंपली फिल के ऊपर टैप कर देना होगा। टैप कर देने के बाद गाइस ये स्क्रीन हमारा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर फिर से ऐसे स्लाइड करके देख लेना होगा, यहाँ पर एक ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, सिंपली ब्लेंडिंग के ऊपर टैप कर देना होगा। ये है गाइस आप लोगों को मैंने दिखाई देती हूँ ये वाली ब्लेंडिंग वाली ऑप्शन, सिंपली इसके ऊपर टैप करके यहाँ पर गाइस आप लोगों को स्क्रीन वाला ऑप्शन ढूंढ लेना होगा। ऐसे ऐसे स्लाइड करके देख लेना, यहाँ पर गाइस एक स्क्रीन वाला ऑप्शन मिलेगा ये वाली गाइस, सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना होगा। टैप कर देने के बाद गाइस नीचे एक टिक मार्क वाले ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना। टैप कर देने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हमारा स्नो इफेक्ट वीडियो ऐड हो चुका है। अब गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, अब गाइस यहाँ पर आप लोगों को ये वाली वीडियो को ब्लर करना होगा। इसको ब्लर करने के लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा, इसके ऊपर टैप कर देना होगा, सिंपली वीडियो के लेयर के ऊपर टैप कर देना। आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लेना गाइस स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप मिस करोगे तो आप लोगों का वीडियो एडिटिंग नहीं बन पाओगे, इसीलिए गाइस आप लोगों ने बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखते लेना। सिंपली वीडियो के लेयर के ऊपर दो बार क्लिक कर देना, ऐसे दो बार क्लिक कर देने के बाद गाइस आप लोगों को ऐसे स्लाइड करके देख लेना, यहाँ पर गाइस आप लोगों को बिजी वाला ऑप्शन मिलेगा, बिजी के ऊपर टैप कर देना। टैप कर देने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देख लेना, यहाँ पर एक कलर वाला ऑप्शन एक इमेज वाला ऑप्शन, आप लोगों को सिंपली इमेज के ऊपर टैप कर देना होगा। सिंपली इमेज के ऊपर टैप कर देने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमारा वीडियो शो हो रहा है, आप लोगों को भी ऐसे देख लेना है आप लोगों का वीडियो यहाँ पर शो हो रहा कि नहीं। आप लोगों को जब यहाँ पर वीडियो शो होगा सिंपली गाइस यहाँ पर जो ब्लर है उसको आप लोग एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर गाइस 8 या 9 रख सकते हो, आप लोगों को जितना सही है इतना ही रख लेना, मैंने यहाँ पर 8 ही रख लेती हूँ। फिर गाइस यहाँ पर आप लोगों को टिक मार्क के ऊपर टैप कर देना होगा। टैप कर देने के बाद गाइस आप गाइस आप लोगों को ध्यान से देख लेना, ये वाली वीडियो में ही क्लिक रहने देना, कभी भी एक टच नहीं करना। अब गाइस यहाँ पर आप लोग ये वाली वीडियो जो है सिंपली इसके ऊपर एक फिंगर रख के ऐसे स्लाइड करके देख लेना। आप लोग देख सकते हो गाइस मैंने लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखा रहा हूँ,
आप लोग को सिंपली ऐसे सिलेक्ट करके देख लेना, या पर गाइस हमारा पीछे वाली वीडियो ब्लर हो रहा है, मैंने उसको सिंपली ऐसे पूरा स्क्रॉल करके नीचे तक कर लेता हूँ। अब गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोग फिर से यहाँ पर जो पीआईपी वाला ऑप्शन है सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना होगा। टैप कर देने के बाद इस वीडियो एंड फोटो के ऊपर टैप करके यहाँ पर गाइस मैंने एक ग्रीन स्क्रीन पीएनजी को ऐड कर लेती हूँ, इसका लिंक आप लोगों को मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। अब गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को टू फिंगर यूज करके ऐसे थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेना इसको, आप लोगों को जितना चाहिए उतना तक भरा कर लेना। कर लेने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर जो एक एरो वाला ऑप्शन मिलेगा ये वाले लेयर में, सिंपली एरो के ऊपर टैप करके यहाँ पर गाइस आप लोगों को दो ऑप्शन मिलेगा, एक क्लिप एंड एंड वीडियो एंड, आप लोगों को वीडियो एंड के ऊपर टैप कर देना। टैप कर लेने के बाद गाइस आप गाइस यहाँ पर कुछ काम नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को ये वाली वीडियो को सिंपली सेव कर लेना होगा। अभी गाइस वीडियो बाकी है, आप लोग ध्यान से देख लेना वीडियो को, सिंपली एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके वीडियो को सेव कर लेना। वीडियो सेव होने तक अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखना। देखिए गाइस यहाँ पर हमारा वीडियो सेव हो गया है, आप गाइस यहाँ पर आप लोगों को दान के ऊपर टैप कर देना होगा। दान के ऊपर टैप कर देने के बाद फिर से आप लोगों को यहाँ पर प्लस वाले आइकन में टैप करके यहाँ पर आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर टैप कर देना होगा। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर टैप कर लेने के बाद गाइस आप गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों ने पहले जो वीडियो क्लिप को ऐड किया था सिंपली वही वीडियो क्लिप को यहाँ पर सिंपली फिर से ऐड कर लेना होगा। वीडियो की लास्ट में जाके यहाँ पर वीएन की वाटरमार्क को यहाँ पर डिलीट कर लेना। डिलीट कर लेने के बाद गाइस आप गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर जो तीन नंबर वाली यहाँ पर जो गैलरी वाला ऑप्शन है सिंपली इसके ऊपर टैप करके आप लोगों को सिंपली वीडियो एंड फोटो के ऊपर टैप करके अभी अभी आप लोगों ने जो वीडियो सेव किया था सिंपली उसको ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। लेने के बाद गाइस ऐसे नीचे स्लाइड करके यहाँ पर फिल वाला ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना। टैप कर देने के बाद गाइस आप लोगों को फिर से ऐसे स्लाइड करके यहाँ पर गाइस कॉमा वाले ऑप्शन को ढूंढ लेना, यहाँ पर गाइस आप लोगों को मिल जाएगा ये वाली, सिंपली कॉमा के ऊपर टैप कर देना। टैप कर देने के बाद गाइस यहाँ पर इंटेंसिटी को ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लेना, इसको 50 या 60 तक रख सकते हो, मैंने यहाँ पर 60 तक रख दिया है। अब गाइस यहाँ पर आप लोगों को सिंपली टिक मार्क के ऊपर टैप कर देना होगा। टिक मार्क के ऊपर टैप कर देने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा वीडियो बन के रेडी हो चुका है। अब गाइस ये वाले वीडियो को थोड़ा सोता करना होगा तो सिंपली ये वाले नीचे वाले वीडियो को सिंपली दो बार क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करके ऐसे टू फिंगर यूज करके ऐसे थोड़ा सा सोता कर लेना। कर लेने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा वीडियो बन के रेडी हो चुका है, लेकिन गाइस यहाँ पर वीडियो का क्वालिटी और थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हो तो आप लोगों को फिर से यहाँ पर फिल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना होगा। सिंपली टैप कर देने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को एडजस्ट वाले ऑप्शन मिलेगा, सिंपली एडजस्ट के ऊपर टैप करके यहाँ पर गाइस सभी को आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेना होगा। एक्सपोजर को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है, सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ऐसे आप लोगों के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। कर लेने के बाद गाइस आप लोगों को सिंपली टिक मार्क के ऊपर टैप कर देना। टैप कर देने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा वीडियो बन के रेडी हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर और एक काम बाकी है, यहाँ पर जो ऊपर एक इमोजी रहते हैं उसको ऐड करने के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट वाला ऑप्शन के ऊपर टैप करना होगा। टैप कर देने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को सिंपली टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके ऐड ए हिडन के ऊपर टैप कर देना होगा। टैप कर देने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को जो कीपैड में इमोजी वाला ऑप्शन होगा सिंपली इमोजी के ऊपर टैप करके यहाँ पर गाइस आप लोगों के पसंद की इमोजी को यहाँ पर सेट कर लेना। मैंने गाइस यहाँ पर तीन इमोजी सेट कर लिए है, आप लोगों को जो सही है उसको ही सिलेक्ट कर लेना। ऐसे गाइस सिलेक्ट करके ऊपर जाके ऐसे सोता करके मिडिल पे एडजस्ट कर लेना, उसको गाइस ऐसे एडजस्ट कर लेने के बाद गाइस यहाँ पर जो एरो मिलेगा आप लोगों को सिंपली एरो के ऊपर टैप करके वीडियो एंड के ऊपर टैप कर लेना। टैप कर देने के बाद गाइस आप लोगों को मैंने एक बार वीडियो को प्ले करके दिखा देती हूँ वीडियो कैसा हुआ हमारा। देखिए गाइस यहाँ पर हमारा वीडियो बन के रेडी हो चुके हैं। आप गाइस इसको सेव करने के लिए आप लोगों को सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना होगा। टैप कर देने के बाद गाइस नीचे आप लोगों को एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपली एक्सपोर्ट के ऊपर टैप कर देना। आप गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमारा वीडियो यहाँ पर सेव होना शुरू हो गया है। गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और गाइस वीडियो को पसंद है तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल करके रखना। फिर मिलता होगा और एक न्यू मजेदार वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद।